कुछ पंक्तियाँ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के लिए। कविता का नाम है जाते जाते है तो कह ही जाता हूँ। जब रखा था पहला कदम तो पता नहीं था किस मुकाम पर पहुँचेंगे, टूटे तारे को फिर से जोड़कर एक ग्रह का रूप दे देंगे। पहले दो चार महीने लगा किस हवेली की चारपाई पर कदम रख दिया है, फिर राजवीर सर की हाथ में चपटे लेके भागने की कहानी, लॉर्ड रिपन को भापड़े गोरे भले लोग कहकर बच्चों के दिन में उनके लिए सम्मान उजागर करने की कहानी, तो वहीं नरेंद्र सर की जी खोलकर हंसा देने वाली सिजिता पेम्बोस की कहानी, तो लक्षिता मैम की ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू कहकर हंसा देने वाली कहानी, तो दिलीप सर का लगता नहीं वो बचपना कभी खत्म भी होगा। फिर किसी ने कहा बस कर भाई कितनी तारीफ करेगा, तो मैंने कह दिया जाते जाते इतना तो कह ही जाता हूँ। नहीं भूल सकते हम वो भंडारे की रसमलाई का आनंद, तो हमेशा सेम स्वाद वाली पनीर की सब्जी, और भंडारे के बीच जब कोई टीचर दिख जाए तो दिल ऐसे खुश होता है हाय 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 हाय। अब जाना तो था ही जयपुर छोड़कर, तो सोचा जाते जाते यह तो कह ही जाता हूँ। 19 साल की उम्र में पहला कदम रखा था, 3 साल हो गए अब घर जाते हैं तो मम्मी बोलती है कितना बदलाव आ गया है हमारे बच्चे में, अब उनको कैसे बताएं, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते नहीं फील करवाते हैं। पहले दिन अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाते हैं तो दूसरे दिन खुद को विश्व विजेता मानने लग जाते हैं, कभी लो पढ़ाते हैं तो लगता है इतने अधिकार अब ना होने देंगे किसी और पर अत्याचार। जब पद्मावती जी कहानी राजवीर सर उस जोश के साथ सुनाते हैं तो कल मैं भी अपनी बहन को बोलता हूँ तू भी सेल्फ डिफेंस सीख ले। अब इससे ज़्यादा तारीफ तो क्या करूँ, पर सोचा जाते जाते यह तो कह ही जाता हूँ। थैंक्स टू स्प्रिंग बोर्ड।